तो हमारे साथ आज आज तक एजेंडा में वो शख्स जिसने वर्ल्ड कप जीतने की आखिरी उम्मीद तक जिंदा रखी थी अगर आपको याद होगा तो तालियां तो इतनी कम बजी हैं मैदान में जब सवा लाख लोगों की तालियों की आवाज बस इतनी सी आपकी आवाज में तो मुझे थोड़ा दर्द दिख रहा है अभी भी वो है अभी भी वर्ल्ड कप हारने का फाइनल हारने का हाँ यार क्योंकि जिस दिन से घर पे आए वही एक टॉपिक है घर में भी दोस्तों में भी जो लोग मिलने आते हैं उन लोगों में भी तो वो चीज़ रिपीट होती रहती है हमेशा तो लगता है ऐसा यार के बहुत करीब थे लेकिन आखिरी उम्मीद मोहम्मद शमी ही थे उस दिन भी अगर आप फाइनल में भी देखें जो आपने आगे दो विकेटें ली क्या उस वक्त एक्चुअली लग रहा था कि यार दो सौ में भी जीत जाएंगे आ, अगर सच मान सच पूछते हो तो जैसे हम लोगों ने तीन विकेट शुरू में निकाल लिए थे तो उस टाइम पे एक मतलब कॉन्फिडेंस था कि अब हमारा एक विकेट और निकालना है तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यहाँ से एक या दो विकेट हमारे स्पिनर्स निकाल कर ले जाए तो गेम हमारा है फिर वो शायद वर्ल्ड कप लिखा नहीं था नसीब नसीब की होती है आप मेहनत कर सकते हैं देने वाला तो ऊपर बैठा है अच्छा आज ही कप्तान रोहित शर्मा ने बोला उन्होंने कहा कि फैंस के लिए उन्होंने बोला कि मैं बड़ा सॉरी फील करता हूँ उन्होंने कहा दिल तो मेरा भी टूटा उन्होंने कहा अभी तक नहीं जुड़ा है पर उन्होंने कहा कि यार कोशिश बड़ी की टीम ने लेकिन एन वक्त पर आकर हमने आप सबको लेट डाउन किया हाँ क्योंकि ओवरऑल uh, अगर आप uh, देखते हैं कि वर्ल्ड कप का जो जर्नी रही है हम लोगों की डे वन से जो गेम uh, शो किया है जो एफर्ट दिखाया है लड़कों ने वो पूरे इंडिया ने उसको मुझे लेकर इंजॉय किया है और मुझे लगता है फ़र्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद एक ज़ीरो परसेंट जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन में भी कोई शायद ऐसा निगेटिव इंसान मिल जाए कि जो ये कहते कि वर्ल्ड कप इंडिया का नहीं होगा तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा दिल को भाई थी कि हर इंसान ने दिल से वर्ल्ड कप को देखा दिल से सपोर्ट किया उसके लिए हम हर एक बंदा थैंक्स बोलता है हर एक हिंदुस्तानी के लिए अच्छा उस दिन वो शाम वो रात हम सबको याद है एक तस्वीर और मेरे पीछे आ, मैच ख़त्म होने के बाद ज़ाहिर तौर पर आ, जो 140 करोड़ लोगों का दिल टूटा सबसे ज़्यादा तो कहते हैं कि वो पंद्रह खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और आपके पास आए पहले वो तस्वीर आप देखी समय। तो बहुत अच्छा किया इस बार समय। याद कीजिए ये एक्चुअली मैं उनको मतलब एक ज़ोर की आवाज़ में थैंक्स भी नहीं बोल पाया कि पीएम आपके ड्रेसिंग रूम में आए हैं हम लोग पता है कि हम टूटे हुए मूड से हैं टूटे हुए दिल से हैं मतलब इतना दो महीने की मेहनत इतना लंबा टाइम हम लोग इतना अच्छा क्रिकेट खेल कर आए हैं और एक दिन पर डिसाइड हो गया एक, एक एक शायद कोई गलती हुई हो या शायद कोई बैड डे रहा हो उस पर सब डिसाइड हो गया उसके बाद सारे आपको पता ही है हारने के बाद सबके फेस दिख रहे हैं कि हाँ अब पी आए हैं तो आपको उनको मतलब सम्मान देना ही होगा हेड हेड हाई करना होगा उस टाइम पे क्योंकि आ, एक सरप्राइज टाइप था हमारे लिए कि हमें किसी ने बताया भी नहीं था कि मोदी जी वहाँ पे आ रहे हैं सडनली किसी के आगे प्लेट रखी थी तो वो रखी थी खा नहीं रहे थे मतलब कोई बात करना है की कोशिश भी नहीं कर रहा था एक दूसरे तक बैठे थे एक टेबल पर कि हुआ क्या ऐसा सरप्राइज सा था हम लोगों के लिए तो सडनली सब देखकर कर शौक हो गए थे एकदम से फिर आए मोदी जी ने बात की और वो हमारा एक्चुअल में उसके बाद हम लोगों ने बात करना शुरू किया एक दूसरे से एक दूसरे से मतलब कि अब चलो लेट गो करते हैं कि हाँ थोड़ा सा मूव ऑन होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए तो एक्चुअली उससे बहुत बिल्ड हुआ जब वो आए वहाँ पर सबसे एक दूसरे से वन बाई वन बात किए और ऐसे बात किए कि हाँ जो जरूरत थी शायद उस टाइम अच्छा ये तो मैं ड्रेसिंग रूम की आप पता नहीं बात बताना चाहते कि नहीं बट अक्सर इस तरह की कोई बात हो तो आ, कहते ना मर्द भी जो है वो बच्चा ही होता है कई खिलाड़ी मैंने सुना रोए भी थे आप भी थे उनमें से एक हाँ थे क्योंकि यार हो सकता है कि कुछ क... कुछ प्लेयर्स दोबारा ना खेल पाएँ वर्ल्ड कप या उस वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो जो हैं हो सकता है मैं भी उनमें से एक हूँ कोई भी हो सकता है उसमें लेकिन एक चीज़ ऐसे होता है ना कि एक चीज़ सामने रखी है बिल्कुल आपके और वो आपके हाथों के आगे से चली जाए ऐसा लग रहा था उस टाइम तो आंसू से तो सबके पास थे बड़ा मुश्किल था वो दिन हम सबके लिए भी लेकिन शावी आपके लिए वर्ल्ड कप बड़ा ज़बरदस्त था अच्छा वर्ल्ड कप की शुरुआत में तो मोहम्मद शमी बाहर बैठे हुए थे आ, सुरेश रायना आज तक पर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट थे तो उन्होंने आपको वो कहीं मिले होंगे तो उन्होंने आके बताया कि पाजी शमी ना अंदर से बहुत भरा हुआ है आपने शायद उनको कहा था कि जिस दिन मौका मिला ना मैं भगा भगा के मारूंगा यार देखो मैं हमेशा सब कहते हैं कि यार मेहनत का फल मीठा होता है सब्र का फल मीठा होता है लेकिन आ, मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि टीम को कब मेरी जरूरत है कब मैं टीम के लिए परफॉर्म करने के लिए ग्राउंड पर तो वो वो चीज़ों का वेट करता हूँ कभी मैंने कंप्लेन नहीं की है तो कई सारे लड़कों से बात हुई थी जो साथ में हैं दोस्त भी हैं साथ में खेले भी हैं मायूस तो नहीं है या फिर वो वैसे क्वेश्चन आते हैं कि डोंट वेरी नंबर आएगा ये क्योंकि सबको पता है सब कि जब जब मैं क्रिकेट के लिए मैं ग्राउंड पर उतरा हूँ मेरे से बैटर मुझे नहीं दिखता है क्योंकि मैं जानता हूँ मैं हंड्रेड परसेंट दूँगा

जो 2011 वाली जीत का हिस्सा थे तो कभी कभी होता ना ऐसे आप वो उस सपने को चार महीने चार साल बिल्ड करते हैं फिर वो दो महीने आते हैं और फिर बात होती है यार 2011 की रात ये हुआ था श्वेता यहाँ पे बैठी हैं ये कवर करने भी गई थी मुझे याद है और सारी रात आई थिंक खिलाड़ी उस वक्त जश्न मनाते रहे लेकिन ये दिक्कत कहाँ आ जाती है हमेशा ये पिछले कई साल से हमने देखा है कि वो कोई नॉकआउट का बड़ा मैच आता है वहाँ पर हम रह जाते हैं दिक्कत वाली बात नहीं हो सकता है कि शायद कुछ प्लेयर्स को हो क्या प्रेशर तो हर किसी को होता है यार जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है वो हर डिपार्टमेंट में होता है जब आप एक अच्छा मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो प्रेशर तो हर जगह होता है आज को मैं भी बोल दूँ कि हाँ मुझे प्रेशर नहीं था या नहीं था प्रेशर सबको होता है प्लानिंग सबको करनी पड़ती है प्लान सबके होते हैं एग्जीक्यूट करना पड़ता है वो सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हम शो नहीं करते हैं कि हम कितने प्रेशर में हो सकता है कि प्लेयर्स प्रेशर में रहते हों या फिर हो सकता है कि हमारा डिसीज़न कुछ कुछ गलत हो जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें टॉस पे चेंज हो जाती हैं क्योंकि जब डे नाइट मैच होते हैं तो बहुत बहुत चेंजेस होता है जब दिन में हम बॉल करते हैं और रात को जब हम बॉल करते हैं बहुत बहुत डिफ्रेंस होता है दोनों चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी अब जैसे हम लोग मानते हैं कि हमने विकेट चूज़ किया अब जो सुनने में आ रही हैं बातें कि हमने गलत विकेट चूज़ किया कि नहीं यार कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार रन थोड़े से कम रह गए तो सब चीज़ सब चीज़ सब लोग देख रहे हैं लेकिन जब हम फील्ड पे होते हैं हम सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं कि अब अब ये हमारे लिए यही बेस्ट है तो कोशिश उसी में कर रहे थे तो डे वन से हमारा यही है जीतेंगे तो एक साथ जीतेंगे और हारेंगे भी तो एक साथ हारेंगे हम जब फाइनल में आए थे हमारा एक ही मूड था सब एक साथ हैं किसी को कोई ब्लेम नहीं किसी से कोई शिकायत नहीं आज तक अच्छी क्रिकेट खेली है आज भी अच्छी खेलेंगे जो बेस्ट होगा वो करेंगे शायद लग नहीं था या कह सकते हैं आप पंद्रह वर्ल्ड कप में भी थे उन्नीस में तेईस में लेकिन इस बार दुनिया ने पूरी दुनिया की क्रिकेट ने यह कहा कि भाई इंडिया के पास जो पेस अटैक था वैसा किसी ने देखा और इतना खौफ सेवेंटीज में वेस्ट इंडीज हो या उसके बाद की ऑस्ट्रेलिया हो इतना खौफ तो वाकई में कभी किसी वर्ल्ड कप में किसी बॉलिंग लाइनअप का नहीं था वो चीज़ यार मुझे भी फील हुई क्योंकि जब से हम पैदा हुए जब से यही सुनते आ रहे थे कि इंडियन बैटिंग ऐसी है कि किसी के पास नहीं है हम यही सुनते आते थे और वो हकीकत भी थी क्रिकेट में इंडिया के इंडिया के की क्रिकेट को जानते थे लोग बैटिंग के नाम से जानते थे बैटिंग के लिए जानी जाती थी कि उनको आउट करना बहुत मुश्किल है ये है वो है लेकिन इस वर्ल्ड कप में पिछले सात आठ साल में जो हम क्रिकेट खेले हैं वो क्रिकेट और जो इस वर्ल्ड कप में खेली है मुझे लगता है कि एट्टी परसेंट पब्लिक ने एंजॉय किया होगा कि हमारी जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप थी क्योंकि लोग ग्राउंड पे भी मैंने चलाते हुए लोग सोचें कि उसको बोल दो इसको बोल दो मतलब एक अलग ही माहौल था यार कि क्या बोलते हैं उसको कि नेक्स्ट लेवल आप इमेजिन मतलब ऐसे बॉडी में ऐसे खून ऐसे पंप होता था कि हाँ यार अब मैं जाके करूँगा तो वैसा होता था जब क्योंकि पब्लिक इन्जॉय कर रही थी बॉलिंग क्योंकि हम लोगों ने अगर ढाई सौ बनाया तो डेढ़ सौ में आउट हमने तीन सौ बनाए तो दो सौ में आउट हम जान ही नहीं दे रहे थे तो बॉलिंग इन्जॉय कर रहे थे सब लोग क्राउड ने भी बहुत इन्जॉय किया और हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ अच्छा न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद आपने फिर न्यूजीलैंड में पाँच विकटें ली फिर इंग्लैंड फिर श्रीलंका फिर आ गया सेमीफाइनल अब सेमीफाइनल में बोर्ड पर तो चार रन थे लेकिन एक स्टेज पर तो ऐसा लग रहा था कि कहीं चार चेस भी ना हो जाए और फिर दोबारा से आते हैं मोहम्मद शमी सच में उस टाइम तो लग रहा था क्योंकि बानखेड़े पे मैच है आप बाउंस ट्रू रहता है वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ 400 भी बन जाएंगे अगर आपके पास सेट बैट्समैन खड़े हैं तो आपके 400 रन कोई मान ही नहीं रखते हैं उस विकेट के ऊपर क्योंकि बॉल ट्रैवल करता है बॉल बाउंस पे आता है पेस अच्छी होती है तो होता है कि हाँ रन पे सेफ नहीं होते क्योंकि आप जो एक टीम जो बराबर की टीम आपके सामने खेल रही है वो भी बना सकती है और जब जब आप सेकेंड बॉलिंग कर रहे हो क्योंकि वहाँ पर ड्यू भी होता है बॉल थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहता है ईजी आने लगता है बैट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं उस टाइम वो जैसे मैं अभी बोला था कि दोपहर में बॉलिंग करना और रात को बॉलिंग करना बहुत अलग चीज़ होती है कहानी गड़बड़ कैच छूटने पे हुई थी आपने कैच छोड़ा मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे भी मैं कैच छोड़ सकता हूँ बट ठीक है पार्ट ऑफ द गेम है लेकिन कैच छूटने के बाद मेरे दिमाग में आया था कि अब ये आउट हो जाना चाहिए नहीं तो <laughs> नहीं तो यहाँ क्योंकि दोनों साइड खेल रहे थे बहुत ज़रूरी था दिमाग में उस टाइम पे मुझे प्रेशर आया था मैं अगर कहूँ कि हाँ नहीं सोचा या लोगों को नहीं लगा कि इस पर प्रेशर नहीं था तो लोगों को नहीं पता चलो लेकिन अंदर से मेरे ऊपर प्रेशर था और एक भी बैड कमेंट्स या बैड फेस स्क्रीन पर दिखाते हैं जो शॉकिंग फेस दिखाते हैं वो भी मुझे देखने को नहीं मिला कि हाँ किसी ने मेरे लिए ख़राब रिएक्ट किया हो वो मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन जब बॉलिंग आई तो बस एक ही चीज़ दिमाग में थी जब मैं रनअप पर था मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी या तो ये मुझे तीन छक्के मारेगा या मैं इसको आउट करूँगा <laughs> मेरे एक ही चीज़ दिमाग में थी क्योंकि कैच मेरे से छूटा था मैंने सोच लिया था मैंने चाहे जो हो जाए इन छः बोलो में जी या तू, तू तीन छक्के मार या भाई अपना विकेट दे जाएगा विकेट विकेट नहीं जाएगा, विकेट लूंगा। लेने की तो कोशिश छह बॉलों में करनी थी जब तीन छक्के खाने का इरादा कर लिया है कि मैं खा लूंगा। तो मुझे विकेट लेना ही है किसी भी मिल रही थी कैच छूट चुका था उस बॉल डालने से, से पहले नहीं नहीं किसी ने भी बुरा मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हाँ सब ने यही हम लोग छूट जाता है नेक्स्ट बॉल के लिए तैयार हो जाते हैं उस कैच के बारे में किसी ने कोई डिस्कस नहीं किया ऐसा नहीं नहीं आपने जब स्पेल शुरू किया जब स्पेल शुरू हुआ था तो वही था कि हाँ उसको भी पता था मेरे को भी पता था कि विकेट की यहाँ एक ज़रूरत है अगर मैं चला आउट हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है लेकिन हम ट्राई उसका कर रहे थे पहले कि वो आउट होना चाहिए क्योंकि वो लंबी इनिंग और स्ट्रॉन्ग इनिंग खेलता है तो वहाँ पर वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे तो स्लोर पे आउट हुआ हुआ फिर फिर नहीं रोक सकते थे फिर नहीं रोक सकते थे, थे। <laughs> तो तो सात विकेट लिया हर, हर इंसान अपनी तारीफ करेगा या लोग भी सामने वाले भी तारीफ करेंगे सात विकेट उतना ईजी वनडे क्रिकेट में नहीं है तो हर आदमी पेड़ पे चढ़ जाएगा उस टाइम अगर मैं अभी हूँ अपना कॉलर खड़ा करके चलूं ये वो बट हमें पता था बीच में क्या कंडीशन हो गई थी हमारी सबको पता था वो बात बट बहुत मतलब वो मैच जीतने के बाद इतना रिलैक्स हुआ था ना दिमाग पूरा टूर्नामेंट में नहीं हुआ अच्छा उसके बाद फिर फाइनल की तैयारी फिर तो हाँ फाइनल की तैयारी के लिए दो तीन दिन थे आप प्रिपरेशन ये सब

उनको पता है कि हाँ फार्म हाउस में बड़ी स्क्रीन लगानी है हमें सुकून से एक चीज़ को दस बार दिखाएंगे ग्राउंड में एक बार निकल गई तो लोग ताली बजा रहे हैं कि हुआ क्या आउट हो गया <laughs> वैसे तो घर वाले उतना जाना जाना वहाँ पर पसंद नहीं करते फिर क्राउड बहुत ज़्यादा बच्चे थोड़े इरीटेट हो जाते हैं तो बहुत कम मैचेस देखे मेरी फैमिली ने और दोस्त लोगों के तो मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि मैं जब घर आऊँगा क्रिकेट की बात नहीं क्योंकि थोड़ा सा मुझे कोई वैसी बात कर लो यार जो मुझे क्रिकेट से रिलेटेड ना हो क्योंकि मैं साल के बारह महीने तक तो क्रिकेट में रहता हूँ तो होती है कितना भी मना करो 80 परसेंट बातें क्रिकेट पे होती हैं घुमा फिरा कर होती हैं मतलब कहीं से भी घूम कर आएगी आएगी क्रिकेट पे वो बट फाइनल की जहाँ तक बात है देखो कहने को कुछ भी कह लो आप प्रेशर तो होता है फाइनल आप एक वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो आपको प्रिप्रेशन भी लगती है आपको प्रेशर्स भी होता है और हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं पहले से कि हाँ ऐसा होगा ऐसा हम तो अभी हो से कह रहे हैं ना अगले वर्ल्ड टी ट्वेंटी उसकी बात अभी करेंगे ना थोड़ी देर में <laughs> <laughs> अच्छा एक और तस्वीर है जो आप ही ने कल वीडियो दिखाया है मोहम्मद शामी जहाँ पर रहते हैं अब इनके घर के बाहर की तस्वीर देखिए एक वीडियो देखिए आप ज़रा कल आप ही ने अपने इंस्टाग्राम पर डाला है इनका कमाल सब देखिए अब ये इनके साथ तस्वीर खिंचाने की लाइन है मेटल डिटेक्टर से गुजरकर एक एक कर आप तस्वीरें खिंचा रहे हैं ये देखिए ये तो बहुत कम शामी भाई है। आप तो हमारे भाई हो एक तस्वीर हो जाए अरे भाई ये तो बहुत कम है ये तो जब मैं जिम कर कर आया उसके बाद की बात है ये तो शाम हो गई थी दिन में तो ऐसा लगाते हैं मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ शामी भाई की जय हो शामी भाई जिंदाबाद मैंने भाई मैं क्या कर रहे हो आप लोग मैंने आप एक काम करो आप सर्कल बनाओ बड़ा सा सर्कल बनाओ सेल्फी ले लो आप बोले नहीं शमी भाई मुझे एक सेल्फ़ी चाहिए मुझे एक सामने से चाहिए वो जब से ये सेल्फ़ी आया मेरा खून पी गए हम लोगों के तो <laughs> क्योंकि आदमी जब सामने के कैमरे से खींचता है ना तो वो सच सट्ट, है ही नहीं आज की डेट में क्योंकि उसका सामने से वो एडिट का सिस्टम चल रहा है कि भाई कौन कहाँ एडिट करते पता ही नहीं चलता तो कहते हैं सर एक लेगा पहले इंसानियत से अगर आपने करा दी उसको लग गया कि हाँ ये आदमी कंफर्टेबल है तो सर एक सेल्फ़ी हो जाए फिर सेल्फी निकाल के फिर सेल्फी खींचेगा फिर ऊपर के एंगल से लेगा घर से जब तक उसको पूरा कंप्लीट गया हाँ मुझे पिक्चर मिल गई है तब तक नहीं जाने वाला वो इस दिन पे तो मम्मी भी थी घर पे अच्छा मम्मी को एक्चुअल में क्या है मम्मी गांव में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं हम लोग सिटी चले जाते हैं तो मम्मी रोज रात को सोने वहीं जाएंगी विलेज ही जाना है उनको तो हम सुबह पहले मुरादाबाद से सीधा विलेज जाएंगे मम्मी को साथ में लेंगे फिर फार्म पे आएंगे सब फार्म पे रहेंगे सब रात को खाना खाएंगे मम्मी को ड्रॉप करेंगे फिर घर पे जाएंगे मुझे याद है कोविड के ज़माने में कोविड के ज़माने में आपने वहाँ पर पिच भी बनाई थी और मुझे याद है एक इंस्टाग्राम लाइव मैंने आपके साथ किया था जहाँ आपने वो पिच दिखाई भी थी लेकिन आपने एक बात और बोली थी शायद यहाँ पर बैठे लोगों को याद हो या ना हो आपने कहा था कि एक फ़ेज़ ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में जहाँ मैं सुसाइड करना चाहता था आज पीछे मुड़कर आप इस बात को सोचते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि मैं इतनी बड़ी बात कर गया अब नहीं सोचता और ना जरूरत है सोचने की उस दौर से आप कैसे निकले यार हर आदमी की लाइफ में आता है ना एक फेस शायद अब सोच वही सोचता हूँ कि शायद वो बैट फेस था या खराब टाइम था या कुछ भी बोल लो उसको बट अब कभी नहीं सोचता उसके बारे में अच्छा मैं वो टाइम के बारे में कभी नहीं सोचता मैं अब अब मैं आज में जीता हूँ आज मुझे पता है ये भैया लोग बैठे हैं एक दिन पहले तो दिन, दिन, दिन बोले जिस दिन वर्ल्ड कप से आया था मैं अब तो मैं आज में खोजूँ पहले दिन आया ये बोले यार थोड़े से लोग हैं दस बीस लोग हैं फ़ोटो खिंचा ले वो हमने खिंचा ली और बीस जन ने बीस बीस को फ़ोन किया जाकर वो अगली सुबह में डेढ़ हो गए अब वो डेढ़ को करा दिया किसी किसी सूरत में और डेढ़ सौ ने पाँच सौ कर दिया अब हज़ार है तो मन्नत के बाहर भी तो ऐसे होता है ना शाहरुख खान के घर उसमें नहीं जाना मैं मैं बहुत छोटा यार, यार ये कम नहीं है नहीं 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 मुझे उतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं बनना है भाई बट हाँ कोशिश करता हूँ अगर कोई मुझे प्यार करता है कोई मेरे मेरे साथ पिक्चर खिंचाना चाहता है और मेरे पास टाइम है तो मैं ज़रूर उसको फोटो खिंचाता हूँ इवन अगर मैं गाड़ी से निकल भी रहा हूँ बाहर कुछ लोग हैं तो जितना पॉसिबल है भाई ले लो दो चार मिनट मैं कर लो अच्छा गाड़ियों का आपको शौक है वो आपकी रील्स में दिखता है जब मसरूफियत हो आप क्रिकेट ना खेल रहे हो तो आपको और क्या क्या शौक़ है गाते हैं आप नहीं यार मैं गाता नहीं मैं सोचता हूँ कि हाँ यार दो चार ऐसे टैलेंट पकडूंगा जो कंट्री को जरूरत होगी जिनको जो कंट्री के लिए कुछ कर सकें लाइक अगर मुझे लगा कि कोई अच्छे फास्ट बोलर्स हैं या फिर अच्छा टैलेंट है तो मैं शायद उनको अपने अंडर में लेकर उनको तैयार करके दूँ मतलब क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट वो तो लाइफ में है क्योंकि ब्लड में है ना क्योंकि पापा भी खेलते थे भैया लोग भी खेलते थे अब मैं हूँ अब छोटे बच्चे हैं वो तो बच्ची इनकी लड़की है छोटी सी उसको भी वो बैठ ही चाहिए उसको अच्छा शाम मेरे हाथ में ये गेंद है स्पेशल गेंद है जो पाकिस्तान से एलिगेशन आया था ना आपको याद है ना पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता है कहीं अलग से बनती है ये पकड़ो आप ये अलग है या कैसा है इसमें कोई डिवाइस लगी है लेकिन जहाँ जब इसका सवाल आया तो हाँ इतने बेवकूफ़ी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन मुझे समझ में नहीं आता हालांकि हंसी आती यार कभी कभी तो सोच कर भी क्योंकि शायद उससे दो या तीन दिन पहले ही वसीम भाई ने उस चीज़ को समझाया था हाँ कि हाँ, अम्पायर्स आते हैं बॉक्स लेकर हम चूज़ करते हैं वो अम्पायर्स को वापस दी जाती है अम्पायर सीधा ग्राउंड में ले जाते हैं

फिर उनसे सवाल पूछता है कि भाई अगर मैंने इसमें डिवाइस लगाई भी है एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमने डिवाइस लगाई है इसमें क्या पता बटन उल्टा उल्टा दब जाए इसमें <laughs> डाली अंदर के लिए बाहर भाग गई इसमें चक्का पड़ गया फिर सही बात है लेकिन यार इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी खेला हुआ इंसान ऐसी बातें करता है ये बहुत खराब चीज है ये मतलब ंगस्टर्स के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी क्योंकि ये ऐसी नॉलेज की मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़रूरत है और ना ही बोलनी चाहिए ये सब चीज़ें अच्छा क्ये? एक और सवाल इसी से जुड़ता हुआ आपको याद होगा एक मैच था जहाँ पर आपने आई थिंक पाँचवा विकेट लिया और आप ज़मीन पर बैठ गए और फिर पाकिस्तान से ही ये सोशल मीडिया पर आया कि देखो मोहम्मद शमी जो है वो इंडियन मुस्लिम है सजदा करना चाहता है बट वो एकदम डर गया इंडिया में घबरा के कर नहीं पाया यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना इसमें दिक्कत क्या है मैं मुस्लिम हूँ मैं गर्व से कहता हूँ मुस्लिम हूँ मैं इंडियन हूँ मैं फ्त से कहता हूँ हाँ मैं मैं इंडियन हूँ इसमें क्या दिक्कत है भाई हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहना नहीं चाहिए था अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती कि किसी की परमिशन की तो फिर मैं रहूँगा ही क्यों यहाँ पे लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि मैं सजदा करना चाहता था नहीं किया अरे भाई ज़िंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं पाँच विकेट लेके पाँच विकेट तो पहले भी दिए मैंने तो सजदा नहीं किया लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझसे मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा मैं इंडिया के हर मंच पर करूँगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए नहीं ये चीज़ें सोच हमारी हमें कहाँ डिस्टर्ब करना है वो सोच होती है इन लोगों की ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं ये किसी से प्यार नहीं करते ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं इनको कंटेंट चाहिए कुछ भी चाहिए मैं पांच विकेट लिया क्योंकि मैं छः पाँच विकेट लिया शायद छठा ओवर था वो और मैं उस एफर्ट से डाल रहा था कि मेरी लिमिट के बाहर डाल रहा था मैं एनर्जी हाँ क्योंकि तीन तो आउट हो ही चुकी थी अब मेरे दिमाग में ये थी कि ये तीन चार ओवर में मैं पाँच करके जाऊँ यहाँ से अब क्योंकि तीन मिल गए थे मुझे शुरू में तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं फुल एफर्ट से मैं, मैं हंड्रेड नहीं टू हंड्रेड परसेंट से डाल रहा था उस टाइम जो मेरे अंदर एबिलिटी उससे ज़्यादा ही फेंक रहा था मैं मैं थक चुका था वो आउट नहीं हो रहा था बीट हो रहा था <laughs> जब पाँचवा आउट हुआ तो मैं घुटनों पर बैठा था अब उसने जब बाल ऐसे की तो मैं आगे झुक गया लोगों ने उसका तो मीम ही बना डाला और भाई इतने फ्री लोग है ना दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई किसी और कोई काम ही नहीं है उन लोगों को भाई ये एजेंडा, ये ये एजेंडा मेरे बिना होता है है ठंडा लेकिन एक है ये बंदा जिसने हमारे देश का झंडा इसकी बोलिंग में नहीं निकाल सकता इवन विक्रांत गुप्ता कोई खामी जोरदार फॉर मोहम्मद शामी मेरी स्कर्ट की तरफ देख रहा है नई सवाई है मैंने और तू मेरे सर पर जो थैली लगाया वो देख रहा है भाई मुझे विक्रांत ने कहा पाजी आ जाओ शामी का प्लान है तो मैं शामी का प्लान में सामान लेके आ गया यहाँ आके पता चला कि शामी मोहम्मद शामी का प्लान है तो पाजी सब काला है वाइट सॉक्स क्यों है ब्लैक एंड वाइट के जमाने के हैं हम एक ही वाइट है नहीं दूसरी भी है बच्चे <laughs> अच्छा एक बात मैं देख रहा हूँ आज कल के जो जवान लड़के हैं इनको सीनियर की इज्जत नहीं है बंदा बड़ा खड़ा हुआ है दो बैठे हुए हैं विक्रामी डाली नहीं नहीं झप्पी तो मैं पाऊँगा पप्पी भी पाऊँगा जो विकटें तो उन्हें किल्लियाँ उखाड़ी हैं मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कुर्सी इतनी जल्दी छोड़ते नहीं हैं आप कुर्सी छोड़ दो कोई दूसरा आके लपक के बैठ जाता हैश टैग राजस्थान आप बैठो हमने दो बनाई है ना दो बनाई हैं लेकिन मेरे पास मैं पोडियम पे नहीं खड़ा हूँ विक्रांत मैं एक बात कहना चाहता हूँ ये बहुत लोगों की किलियां उखाड़ता है है ना इस बंदे का कुछ उखाड़ के दिखा तो बताऊ 20 साल से आज तक मैं बैठा है कोई इसका कुछ नहीं उखाड़ पाया है इक्कीस होने, होने वाले हैं इक्कीस होने वाले इक्कीस होने वाले हैं वैसे भी जिसका सात मिलियन का पेज हो उसको कोई कुछ कैसे कह सकता है स्पोर्ट्स तक के लिए भी तालियां हो जाए एक बार ब्रांड इंटीग्रेशन कर देनी चाहिए है ना वैसे भी जिसके साथ मिलियन हो उससे मेल जोल बनाए रखना चाहिए अब हम आना चाहते हैं शामी के पास बच्चे बहुत फास्ट हो तुम बहुत फास्ट हो आज हम थोड़ा चेकअप और ले लेते हैं शामी की फास्टनेस का सामान लाया जाए भाई लाओ भाई तो हमने कल देखा तुम्हारे इंस्टाग्राम पर रील थे जिसमें तुम बैटिंग कर रहे थे बिल्कुल पांच नंबर के बल्लेबाज की तरह कर रहे थे मज़ा आ गया लेकिन आज जो करनी है ऐसे एन एधर बगलच पा के ऐसे ऐसे करना है तो तीस सेकेंड में कौन ज़्यादा करता है देखते हैं साथ में कौन करेगा तू करेगा ना, 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 ना। कहाँ रखना है जहां मर्जी दबा ले बच्चे ऐसे भी कर सकता है

बच्चे धर्म रिव्यू सिस्टम डीआरएस करना पड़ जाएगा इसके लिए एनीवेज एक गेंद मैं कराता हूं बच्चे थोड़ी फिरकी करूंगा मैं कचरा की तरह हाँ एक मारनी है इधर लेग सम बाहर थी पिचिंग लेग पिचिंग आउटसाइड लेग अच्छा बच्चे तू तेज तरार तो है लेकिन तुझे अभी खूंखार बनना बाकी है उसके लिए जब भी गेंद फेंकने आए तो मेरा डायलॉग कह के आना है क्या? जैसे मान ले सामने ये, ये उन्हें किसकी तरफ इशारा करूँ हमारे ऑफिस से कौन नहीं आज तक से कौन नहीं है ये <laughs> मान लो ये मिशेल स्टार्क है, ये ये है बल्लेबाज तो इसके पास गेंद फेंकने से पहले इसको कहना है मेरे साथ साथ बोलियो मार्स बोलना है मा? अरे क्रिकेट खेलना जंग लड़ना वहां जंग ही है वो हमारे लिए तुम्हारे लिए भी बोल मारश मारश मैं तेरी किलियां खा जाऊंगा वो तो खा क्यों जाऊंगा उखाड़ दूंगा तो उखाड़ खा, <laughs> मेरा वो है ना खून पी जाऊंगा तो मैंने किलियां खा जाऊंगा बोला था <laughs> अच्छा एक और डायलॉग है जब ऑस्ट्रेलिया से अगली बार मैच होगा ना तो तुझे बोलना है कंगारू कंगारू

अपनी अपनी औकात की बात है ना बच्चे चूज करो कौन सा ये ठीक है मेरे लिए बट <laughs> इससे मैं ऐसे बताता हूं अच्छा ऐसे बता ऐसे, ऐसे पकड़ो हां सीम से पकड़ो सीम अच्छा अरे सीम पे पकड़ो ना सीम पे पकड़ा है बच्चे इतनी गलतियां मत निकाल <laughs> ऐसे बोलो अच्छा ऐसे पकड़ लिया ठीक है अब अब इसको ऐसे घुमाना है ऐसे घुमाना है पूरा घुमाना स्ट्रेट आ मेरी हैमस्ट्रिंग खिंच गई है

बहुत अच्छे से कर रहा है बच्चे तू लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं लेकिन मैं थोड़ा बेहतर हूँ जैसे जैसे ये 90 माइल्स फेंकता है आउट कर देता है हुँ. मैं 90 <laughs> मैं आउट कर देता हूँ इसका ओवर छह गेंदों में खत्म हो जाता है लेकिन मेरा ओवर हैंग हो जाता है और वो जो हैंग ओवर है वो तीन दिन तक चलता है बट बड़ा अच्छा लगा बच्चे बात करके आपसे अब मेरी जैसे एंट्री हुई थी वैसे ही एग्जिट होगी लेकिन, लेकिन ये नहीं एक 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 तो हाँ जी झूठ क्यों बोला इसमें क्या था इसमें मुझे तो लस्सी कही गई थी मोम और लस्सी जम गई है सर्दी इतनी है मोम है। है। बोलते हैं मोम बोलते हैं बत्ती चले अच्छा लगा बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा चलो भाई म्यूजिक हैव नो डाउट शमी हमें आगे भी प्राउड महसूस कराता रहेगा अच्छा वर्ल्ड की बात की मोहम्मद शमी तो वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चलते हैं मतलब वो मर्सिडीज घर में रहती है मतलब? फिर शादी वाले दिन निकलती है वर्ल्ड कप आप आ जाते हैं उससे पहले तो ये वर्ल्ड टी ट्वेंटी में मोहम्मद शमी है यार इसमें मेरी क्या गलती है बीस में टी ट्वेंटी है तो इक्कीस में टेस्ट का है तेईस में पता चला वर्ल्ड कप है पचास ओवर मेरी गलती मैं रेगुलर खेल रहा हूँ भाई आपको आराम भी दिया जाता है ना सो देट तीनों फॉर्मेट खिलाए जाए अब देखो डिपेंड करता है आपको आपकी गाड़ी कैसे यूज करनी है वर्ल्ड टी ट्वेंटी में मोहम्मद शमी ऑब्वियसली रेडी हैं कोशिश करेंगे जो गलती या बैड लक है नेक्स्ट टाइम ना हो अच्छा एक व्यू ये भी है कि रोहित शर्मा विराट कोहली को भी कंसिडर किया जाए वर्ल्ड टी ट्वेंटी के लिए आपका क्या मौके है यार इस डिपार्टमेंट में मैं घुसना ही नहीं चाहता समझिए ये जो टॉपिक है ना ये आ, थोड़े अलग से हैं मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि आ, आप अपनी टीम अपनी कंट्री के जो प्लेयर्स हैं अपने जो अपनी जो बॉन है आप अपनी स्ट्रेंथ को ऐसे यूज़ करो जो आपको विनर बना कर लाए आप अपनी टीम वैसी बनाओ जो कप लेकर आए अगर मेरे से कोई बैटर है तो मैं खुश हूँ मेरी जगह उसको लेकर जाओ इसमें आपको कोई गिल्टी आपको कोई मतलब जलन वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर हो सकता है कि आज मैं अच्छा खेल रहा हूँ कल कोई और अच्छा खेले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए ना कि, कि आपको जलन होनी चाहिए या आपको आ, कोई वैसा सवाल आना चाहिए क्यों क्योंकि वो आपकी ही कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी ही कंट्री के लिए परफॉर्म कर रहा है तो अगर बेटर कर रहा है तो हमेशा उसको सपोर्ट करना चाहिए शोमी आपको लगता है कि इंडिया में आपने खुद माना कि बल्लेबाज एक स्टार होता है और ये हमेशा से रहा है मुझे याद है कपिल देव ने इसी मंच पर एक बार कहा था कि यार वो खुद फास्ट बॉलर थे उन्होंने कहा इंडिया में ना बैट्समैन है वाइट कॉलर और बॉलर जो है वो मजदूर है ब्लू कॉलर बट आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप में इस वर्ल्ड कप के बाद फाइनली तेज गेंदबाजों को वो रिकन मिल रही है आप हैं बुमरा हैं सिराज हैं भाई आपने बात की है बॉलिंग और बैटिंग के कंपैरिजन में क्या आज की डेट में अगर आप देखते हैं ना दोनों का कंपैरिजन तो मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग यूनिट बैटिंग यूनिट से कम है क्योंकि उतना ही वेट है उधर भी अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी टारगेट को रोकने में सक्षम है आज की डेट में बट एक ही चीज़ कहना चाहूँगा पिछले छः सात साल को आप उठाकर देखिए रिकॉर्ड्स को मुझे नहीं लगता बैटिंग पे ज़्यादा लोड आने दिया है बॉलर्स ने तो जो परफॉर्म किया है जो इंडियन टीम का बॉलिंग यूनिट रहा है उसने आपको ट्रस्ट करना आपको परफॉर्म करके देना आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया है कि क्या कॉन्फिडेंस दिया है आपको कि हाँ, हाँ अगर हम बाई चांस अगर हम 200 सौ पे आउट हुए तो आपको यह कॉन्फिडेंस बोलर्स ने पैदा करके दिया कि हम डेढ़ सौ में आउट करेंगे साउथ अफ्रीका है टेस्ट मैच आपका नाम है टेस्ट मैच में बट ये भी कहा गया है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस तो आप जा रहे हैं साउथ अफ्रीका मैं रेडी हूँ अगर पेन नहीं रहा तो कहाँ पर है पेन क्योंकि आ, काफ़ी लंबे टाइम से हील में थोड़ा सा इरीटेशन हो रहा था तो अगर अब जाकर टेस्ट मुझे चेकअप करना है अगर वो दोबारा ऐसे क्रिएट ना हो उस स्टेज में है तो मैं ज़रूर टेस्ट मैच खेलने के लिए जा रहा हूँ और आपको पता ही है मैं अगर तो टीम के लिए अगर मैंने स्टेप लिया है तो फिर तो चाहे टीम चाहे टांग कट जाए फिर तो करके ही हुआ वापस पूरा तो मैं वैसा हूँ कि दर्द का लेवल भी बहुत झेल सकता हूँ तो एक बार पैर रखा तो वापस नहीं कर इसका मतलब मोहम्मद शमी साउथ अफ्रीका में नजर आएंगे और आपने चूंकि बात की इंडिया की और ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेटर के तौर पर मुल्क के लिए करते हैं मुल्क भी उस चीज़ को रिकगनाइज करता है और खबर ये आ रही है कि शायद जो अर्जुना अवार्ड है वो आपको मिल रहा है नहीं पता। आ जाएगी? नहीं पता नहीं आपको आ जाएगी खबर आ जाए अच्छी बात है ऑनर है कि अगर ये अवार्ड किसी को मिलता है क्योंकि ड्रीम्स होते हैं लोगों के जिसके लिए मुझे लगता है कभी कभी तो बहुत लोगों की तो लाइफ निकल जाती है नहीं मिल पाते हैं अगर मुझे मिलता है तो उससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती तालियां तो हो जाए शामी आप आए प्रैक्टिस आप कर रहे हैं आपका बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया लेकिन अनफिनिश्ड बिजनेस कहते हैं ना कि 2023 में जो नहीं हो पाया दो 2024 में एक तो मोहम्मद शमी का एजेंडा क्या है क्योंकि आज तक एजेंडा 2024 आगे आप देखते हैं कि आपका साल का एजेंडा क्या है और आपकी क्रिकेट टीम यानी कि हमारी क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम का भी 2024 का एजेंडा क्या है वो वहां पर आपको लिखना होगा okay. ये आपका अगले साल का गोल क्या है आपका एजेंडा क्या है हाँ पहले तो बोल देता हूं कि क्या क्या मैं फील करता हूँ और किस वजह से ये एजेंडा है क्योंकि आ, ये 2023 का जो फ़ाइनल हम लोग मिस किए हैं जो जो चुभरा रहा है मुझे लगता है ये 2024 में पूरा करना चाहिए हमें सबको और मैं चाहता हूँ अगर 2024 में अगर ये एजेंडा पूरा कर पाए हम तो लाइफ का बिगेस्ट गोल होगा ये आप लिख सकते हैं और स्क्रीन पर पीछे आएगा और आपके आज की जी? जी आज की डेट और आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू थैंक यू एवरीवन मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव एनालिसिस स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप